हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पहाड़ी गुलजार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं जलेबी। सो आइए आपको मिलाते हैं सभी से अंदर। आज हम बनाएंगे गाइस जलेबी, और इसमें मैंने भर लिया है, क्या बोलते हो ना, मैदे का पेस्ट इसमें भर लिया है मैंने पन्नी में, और इसमें मैदा है, और इसमें है हमारा बखर, और इसमें तेल है कढ़ाई में। इसमें हम गाड़ेंगे जलेबी। पहली बार बना रहे हैं हम जलेबी, तो आइए देखते हैं। और ये क्या है? कौन ये वाला? ये है बखर। अच्छा, जलेबी के लिए। और ये? इसमें हमने मैदे का पेस्ट बनाया है। अच्छा, और इसमें जलेबी? इसमें बनेगी हमारी जलेबी। अभी हम देख रहे हैं कि तेल गरम हुआ है। और साथ में बन रही है रोटियां, ढमणिया रोटी, और साथ में बनेगी चटनी। और चटनी बना रहे हैं मूंगफली की। ये देखिए, उसके लिए हमने मूंगफली छील लिए हैं, लहसुन है, पुदीना और धनिया। और चटनी बनाएंगे रोटियों के साथ के लिए। और उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए बना रही है निशा जलेबी। फर्स्ट टाइम है, देखते हैं कैसे बनते हैं निशा की जलेबी आज। और साथ में खाने के लिए पहले पहुंच चुके हैं ये देखिए आदि और गौरी, और एक बाहर है और शर्मा रहा है काफी। ये देखिए, मिलेगी यार तुझे भी जलेबी, टेंशन मत ले। और ये देखिए, काफी शर्मा शर्मीले मिजाज का इंसान है ये। और पहली जलेबी निकलने वाली है निशा की कढ़ाई से। जलेबी गोल नहीं बन रही है गाइस, बताइए गोल बनाने के लिए क्या करें? ये तो ऐसी हो जा रही है। सीधा ये तो और देखते हैं निशा ने जलेबी बना ली है कना बन रही जलेबी। अरे जलेबी बना रही है, लूणा बन रही है, लूणा की अणुयु और निशा की जब जलेबी मीठी होती है, लेकिन निशा ने आज नमकीन जलेबी बना रखी है। निशा ऐसा क्यों हुआ? ये फूड कलर है, ये फूड कलर पता नहीं इसमें क्या था, जो ये नमकीन हो रहे है, शायद एक्सपायर डेट वाला। तो डेट देखना। और निशा ने जलेबी बनाई, एकदम नमकीन हो गई, मीठी भी नहीं हो रही, ज्यादा पड़ गई, मिर्ची भी ज्यादा हो रही है, और वो भी मिर्ची भी ज्यादा हो रही है और नमकीन भी ज्यादा हो रही है। कौन मचा टीणी बड़ी उमन और निशा की जलेबी हो चुकी है खराब। और निशा काफी पछता रही है, और इतना बखर हमारा खराब हो चुका है ये। अरे हाँ, जो आपके समझ में की तेल पकौड़े ऐसे क्यों बने, क्योंकि शादी के दिन का पकौड़ा वाला तेल बच गया था ना, इसलिए उस तेल हमने इसमें डाला तो नमकीन हो गए। और अब पता चला गलती क्या हुई थी, जो तेल था शादी वाला, निशा की शादी के दिन पकोड़े बने थे, उसी का तेल बचा हुआ था, उसी के पकोड़े बना दिए, इसलिए वो काफी नमकीन हो गए पकोड़ों की तरह। जाओ दूसरा तेल लेके आओ नीचे से। ट्राई करते हैं क्या ऐसे ही हुआ होगा। तो अब निशा आगे क्या करोगी? अरे जले बना रहे, बना तुम क्या कर बना रही हो? जाओ मर्ची राउंड भी तक कल खंड दिल खंड एक मर्ची राउंड यार जरा क्या बोलूं ना बात करो बकरी बात
और जलेबी हो चुकी है खराब, अब कल मिलते हैं नए जलेबी के साथ आपको, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।